देखिए दोस्तों, नमस्कार। आज जो है सुबह के 7 बज रहे हैं, तो हम नहा धो करके रेडी हो गई हैं। आप जो है खाने के लिए बना लेती हैं, तो जो है चूल्हा जला लेती हैं और चाय नाश्ता हमने गैस पे बना ली है, तो चाय नाश्ता हो चुका है। अब खाना जो है हम बना लेती हैं। तो चूल्हा हमने जला लिए हैं, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दी हैं। बनाने जा रही हैं टमाटर का चोखा। तो पहले जो है पिछले वीडियो में हमने डाली तो थी टमाटर की सब्जी बना करके, पर वो जो टमाटर थे बहुत छोटे छोटे देसी टमाटर थे, और आज जो है इतने हमने टमाटर काटे हैं, बहुत बड़े हाईब्रिड वाले टमाटर हैं। तो जो हमारी दादी माँ हैं उनको टमाटर का चोखा बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत पसंद है, तो कहने लगी आज जो है हमारे लिए बहू टमाटर का चोखा बना दो। तो हम जो है उनके लिए टमाटर का चोखा बनाने जा रही हैं। तो इतने टमाटर हमने काट लिए हैं, और देखिए ये इसमें हम लहसुन और प्याज और ये हरे मिर्च और इसमें जो है 2 चम्मच हम पिसी हुई धनिया निकाल ली हैं और 1 चम्मच हल्दी और जो है हरे मिर्चें इनको हम साइड में कर देती हैं। और इसमें इस डिब्बे में मेथी है, तो हम मेथी भी ले लेती हैं। कढ़ाई हमारी बहुत तेज गर्म हो चुकी है, तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में। और तेल भी गरम हो चुका है, तो हम तेल में मेथी डाल देते हैं। मेथी और जीरा हम साथ में ही डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से तेल में तल लेते हैं। देखिए जीरा और मेथी अच्छी तरीके से हम तेल में तल लेती हूँ। और अब जो है इसमें प्याज और लहसुन डाल देती हूँ तेल में, और इसको भी प्याज को अच्छी तरीके से तेल में तल लेती हूँ। देखिए प्याज और मेथी और जीरा तलने से जब कलर थोड़ा आ जाए, तब इसमें लाल लाल मिर्च और हरे मिर्च दोनों मिला करके इसी तेल में हम डाल देते हैं, और मिर्च भी तेल में तल लेते हैं ताकि तेल में अच्छी तरीके से मिर्च भी तल सके। तो देखिए इसमें हमने मेथी और जीरा और प्याज लहसुन और हरे मिर्च ये सब हमने डाल के तेल में तल लेते हैं। और जो है टमाटर का हम चोखा बनाएंगे। और देखिए आटा हमने गूंथ ली है, इसकी जो है आटे की ही मोटी रोटी बनाएंगे। तो हमारी जो दादी माँ है उनको मोटी रोटी बहुत पसंद है, वो कह रही थी चोखा और मोटी रोटी हमको बहुत खिलाई है, तो हमको
चोखा टमाटर का और मोटी रोटी बनाकर खिलाऊंगी। अब देखिए ये सब मसाला हम अच्छी तरीके से तल लिए हैं। अब इसमें हल्दी और धनिया ये दोनों तेल में डाल लेती हैं, इनको भी मैं अच्छी तरीके से तल लेती हूँ। और देखिए मसाला तलने के बाद हम टमाटर को डाल देती हूँ कढ़ाई में। अब इसको हम फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ ताकि मसाला सब अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। अब इसे हम थोड़ा ढक देती हूँ। अब देखिए हम प्लेट को उतार लेती हूँ कढ़ाई पर से, थोड़ा एक मिनट के लिए हम इसलिए ढक दी थी कि अच्छी तरीके से पक सके। अब इसमें हम नमक डाल देती हैं। तो देखिए हम नमक डाल दी है। अब इसे हम फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हैं। और देखिए इसमें जो है पानी हम नहीं डाली है और पानी देखिए जो है छूट गया है। और इसी तरीके से अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और नमक डाल देंगे और इसको ढक देती हूँ। तो देखिए जो है हम प्लेट उतार लेती हैं कढ़ाई पर से, और प्लेट उतार करके हम नीचे रख देती हैं। तो देखिए टमाटर का चोखा बनकर तैयार हो गया है। अब जो है हम इसे उतार लेती हूँ कढ़ाई को। चोखा बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो है रोटियां सेक लेती हूँ, तो तवा रख देती हूँ चूल्हे पे। देखिए जब हम मोटी रोटी सेकेंगी तो इतनी बड़ी हम लोई लेंगी और इतनी ही बड़ी लोई की हम रोटी से बनाएंगी। देखिए ये रोटी हमने बना ली है, तवा गरम हो चुका है, तवा पे डाल देती हूँ। अब जो है हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो देखिए रोटी जो है तवा पे बन गई। अब इसको हम घी में रोटी को रख लेती हैं। देखिए टमाटर का चोखा बनकर तैयार हो गया है। और टमाटर का चोखा खाने में बहुत अच्छा लगता है। टमाटर का चोखा और मोटियां रोटी जो है बनकर तैयार हो गई हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।